How to become a topper? Topper कैसे बने? इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि टॉपर कैसे बने, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि आपके लिए पढ़ाई का क्या मतलब है? होमवर्क करना, टेस्ट में फुल मार्क्स लाना या एग्जाम में पास या टॉप करना? आप मुझे इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि पढ़ाई का मतलब क्या होता है। वो पढ़ाई का बिल्कुल सीधा और सिंपल आंसर है, नॉलेज गेन करना और कुछ भी नहीं। जब से हम इस दुनिया में आए हैं तब से हम रोज लगातार कुछ नया सीख रहे हैं। आप जब भी कुछ नया समझते या सीखते हो वह पढ़ाई ही है, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम यह सब नहीं मानता। उसके मुताबिक पढ़ाई का मतलब है होमवर्क करना, टेस्ट में फुल मार्क्स लेके आना और एग्जाम्स में अच्छे परसेंटेज से पास होना। अगर आप इनमें से कोई चीज नहीं करते हैं तो आपको डल या स्टूपिड समझा जाता है, जो सरासर गलत है। ऐसे एजुकेशन सिस्टम में स्टूडेंट्स को सिर्फ रोबोट बनाया जाता है, जहां आपको सिर्फ लिमिटेड सिलेबस के बारे में ही बताया जाता है और उसी को रट के आपको एग्जाम देने पड़ते हैं। अगर आपने गलती से भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ लिया तो यह कहकर आपको चुप करा दिया जाता है, यह क्वेश्चन तो आपके सिलेबस से बाहर है, आप यह जान के क्या करोगे? टाइम वेस्ट मत करो और अपना सिलेबस कंप्लीट करो। अब नॉलेज का मतलब कई लोग मानते हैं कि एग्जाम में 95+% लाना। एक सर्वे के अनुसार चाहे वो एवरेज स्टूडेंट हो या टॉपर, एग्जाम के 3 दिन बाद वो अपने सिलेबस का 95% तक भूल जाता है। अब मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूँ जिनकी नजर में 95% लाने वाला बच्चा नॉलेज रखता है लेकिन 60% लाने वाला बच्चा डल या स्टूपिड कहलाता है। अब मुझे बताइए, ये कैसी नॉलेज है जो बच्चा 3 दिन बाद ही भूल जाता है? इंसानों ने हर क्षेत्र में तरक्की की है और हर क्षेत्र में बहुत विकास किया है, लेकिन सिर्फ यही एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ विकास ना के बराबर हुआ है। आज बुजुर्ग बाहर निकलता है तो उसे ऐसा लगता है कि वह किसी और ही दुनिया में आ गया है, क्योंकि जो विकास का लेवल है वो काफी ज्यादा है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम अभी भी वही अटका हुआ है। इस एजुकेशन सिस्टम में स्टूडेंट्स को उनके परसेंटेज से जज किया जाता है। पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लाना सिर्फ आप रटने की कैपेसिटी दिखाता है कि आप एक बार में कितना रिकॉर्ड कर सकते हो और उसी को आप एग्जाम में कितनी अच्छी तरह लिख सकते हो। यही सारी दिक्कत की जड़ है। आपको बचपन से बस रटना ही सिखाया जाता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम यह बात नहीं मानेगा, पर बॉस सच्चाई तो यही है। आपसे यही उम्मीद करी जाती है कि आप अपनी क्लास में अच्छे मार्क्स लेके आए, आपकी परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए। बाकी यह किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी नॉलेज गेन कर रहे हैं या फिर आपको उस पढ़ाई में कितना आता है या कितना नहीं आता है। मैं आपको टॉपर बनने के लिए वही घिसी पिटी बातें नहीं बताने वाला, जैसे पढ़ाई करते हुए फोन यूज ना करो, सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करो, नोट्स बनाओ, बार बार रिवाइज करो, एटसेट्रा एटसेट्रा। मैं बात करने वाला हूँ उस पॉइंट की जो आपको क्लास में ही नहीं लाइफ में भी सक्सेस देगी, और वो एक ही पॉइंट है और वो है नॉलेज। नॉलेज ही एक ऐसी चीज है जो आपको टॉपर से लेके लाइफ में सबसे ज्यादा ऊंचाई तक पहुंचा सकती है। लोग सक्सेस का मतलब एक चीज समझते हैं कि आपको दिन में 10-15 घंटे पढ़ना है, टॉप करना है, या फिर किसी एंट्रेंस एग्जाम में टॉप करके या फिर उसमें पास होके आपको एक जॉब सिक्योर कर लेनी है। उनका मतलब वो होता है सक्सेस पाना, लेकिन ये एक मिथक है जो लोग के मन में ये अंदर तक बसा हुआ है कि आपको पढ़ना है और आपको एक जॉब सिक्योर करनी है, लेकिन ये एक्चुअली में कुछ भी सक्सेस नहीं है। ये सक्सेस का 0.1% भी नहीं है। हाँ, आप इससे पैसे कमा सकते हैं, हाँ आप इससे जिंदा रह सकते हैं, ठीक है, आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं, लेकिन आप इसे सक्सेस बिल्कुल भी मत बोलिए, क्योंकि ऐसा बोलना सक्सेस की इंसल्ट करना होगा। सक्सेस का मतलब होता है कि लाइफ में ऐसा कुछ अचीव करना जो बाकी ना कर पाए, और उससे हटकर कुछ नया करना, कुछ अलग करना, वो करना जिसके लिए आप बने हो, जो आप कर सकते हो, क्योंकि ऐसा कुछ ना कुछ चीज होती है, हर किसी के अंदर होती है जो वो कर सकता है औरों से काफी अच्छा कर सकता है। मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले सकता हूँ, आपको पता ही होगा, मैं सुना भी होगा, जैसे सचिन तेंदुलकर का एग्जांपल, लता मंगेशकर का एग्जांपल, ये बहुत पॉपुलर एग्जांपल्स हैं जो आपने यूट्यूब पे हर जगह सुने होंगे, लेकिन मैं आपको फिर से ये बात नहीं दोहराने वाला। सो आपको सिर्फ पढ़ाई या फिर 24 घंटा पढ़ाई या फिर आपको सिर्फ किसी एग्जाम या फिर जॉब के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपको आपको ये पूरा करना है तो आप सक्सेस होगे। ऐसी सक्सेस की कोई डेफिनेशन यहाँ पे नहीं है। सक्सेस अगर पानी है आपको तो आप सिर्फ नॉलेज के बलबूते ही पा सकते हो। अगर यहाँ पे मैं एक मूवी का आपको रेफरेंस दूं, जैसे 3 इडियट्स, उसमें आमिर खान ने कहा था एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस झक मार के पीछे आएगी। साफ साफ उनका कहने का मतलब ये है कि जिस भी एरिया में आप काम कर रहे हो या काम करना चाहते हो उसके बारे में, उसके इस एरिया के बारे में आप पूरी प्रॉपर नॉलेज अपने अंदर बैठा लो, गेन कर लो उसको,
ऐड कर लो, जो करने करो उसको अपने दिमाग के अंदर बसा लो वो नॉलेज को, तभी आप लाइफ में सक्सेस पा सकोगे। सिर्फ रटने भर से आप एग्जाम तो क्लियर कर लोगे, लेकिन जो आपकी नॉलेज होगी ना वो नॉलेज आपकी बिल्कुल 0.0% कुछ भी नहीं होगी नॉलेज आपको, जिससे आपको लाइफ में सक्सेस बिल्कुल नहीं मिल पाएगी। सक्सेस चाहिए तो नॉलेज गेन करो। दिन में 4-5 घंटे पढ़ोगे ना बहुत है, जब आपको वो नॉलेज गेन होगी ना तो आप सक्सेस पा सकोगे, जो रियल सक्सेस होती है लाइफ में वो पा सकोगे आप। क्योंकि आप जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे, नॉलेज होगी तो आप फिर सब कुछ कर सकते हो। इस सर्वे के अनुसार जो टॉपर है ना वो दिन में 5 से 6 घंटे पढ़ते हैं, ठीक है, और वो टॉपर जो है ना वो भी वो सब चीज करते हैं जो हम लोग अपनी डेली लाइफ में करते हैं, जैसे कि यार सुबह उठे, खाना पीना, जो भी कुछ करना है, फेसबुक चलाना, ट्विटर चलाना, शॉपिंग करना, मूवी देखना, यार वो टॉपर भी सब चीज करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। किसी टॉपर ने ये नहीं कहा कि नहीं मैं टीवी नहीं देखता, मैं ये नहीं करता, सबने कहा कि मैं सारे काम करता हूँ लेकिन टाइम लिमिट के अंदर करता हूँ। बस यही फर्क है हमारे में और उन्होंने में, कि वो जो करते हैं वो टाइम लिमिट में करते हैं। फेसबुक चलाते हैं 1 घंटा 2 घंटा चलाते हैं, 3 घंटे चलाते हैं, लेकिन टाइम लिमिट है, चाहे वो 4 घंटा चलाए। यार हमारा ना टाइम लिमिट नहीं होता किसी भी चीज में। तो बस यही जो चीज है ना, यही फर्क है एक टॉपर में और तुम में, कि उनका जो है नॉलेज है और उनका क्या है एक डिसिप्लिन है, एक टाइम पीरियड है हर चीज करने का। बस हमारा यही जो चूक है ना वही हो जाता है, बाकी चीजों को पता ही है कि पढ़ाई करना है, रोज सुबह उठना है, रिवाइज करना है, ये तो वही चीज है। लेकिन इनके अलावा जो आपको सक्सेस दिलाती है चीज वो है नॉलेज, सबसे बड़ी बात जो है। तो आपको इस वर्ड पे ना नॉलेज पे बहुत फोकस करना पड़ेगा जिंदगी में, ठीक है गाइज। सो आई होप आपको ये वीडियो आपको ये जो पॉइंट है ना समझ में आया होगा कि सक्सेस एक्चुअली क्या है और हमें पढ़ाई कैसे करनी चाहिए स्कूल में फिर कॉलेज में। अभी भी एजुकेशन सिस्टम की कितना मत चलना, आप देखो आपको कहाँ नॉलेज मिल सकती है वहां से नॉलेज लो, क्योंकि नॉलेज के लिए सिर्फ स्कूल ही नहीं बनाया है। आपको जहां से आप कुछ सीख सकते हो ना, जहां कुछ सीखने को मिले आप वहां जाइए, क्योंकि वही नॉलेज है, ठीक है। सो यही था सारे पॉइंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आपको सब्सक्राइब करना हो तो नीचे लाल बटन है कर सकते हैं, शेयर कर देना इस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।